पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी है, जिसको लेकर दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना दौरे पर थे और उसके कुछ घंटे पहले ही जो है संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज और मोहम्मद जलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने दी है, जिसको लेकर पीसी में एफआईआर पीएफआई की तुलना जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कर दी है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए लोग सीमी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरएसएस की शाखा में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरह से पकड़े गए लोग भी मस्जिद में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने बताया कि पीएफआई बिहार में प्रतिबंध नहीं है और 6 से 7 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में इसका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 12 लोग शामिल हुए थे और इस मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसमें कुल 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अधिकांश बिहार के ही हैं। यानी कह सकते हैं कि पीएफआई की तुलना जो है पटना के एसएसपी ने की है, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से विवाद शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुने। हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है, और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है, जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोगों से पूछताछ जारी है, और कह सकते हैं कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की है। इसको लेकर अब आगे के जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 10 न्यूज के साथ और देखते रहें 10 न्यूज। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची, और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।